हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करेंगे और ये आज इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 6th लेक्चर है। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करना है। तो देखिए, आज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.141, सेकंड ऑप्शन दिया है 0.372, थर्ड ऑप्शन दिया है 0.815, फोर्थ ऑप्शन दिया है 0.642। तो यहां पे आइसोमेट्रिक लेंथ बाय ट्रू लेंथ के रेशियो के बारे में पूछा गया है। वैसे इसके पहले नंबर ऑफ वीडियोस में हमने आपको बताए थे कि आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब क्या, आपको एक आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है और आइसोमेट्रिक स्केल से आपको आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना है। यह हो गया ग्राफिकल मेथड। और दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो फार्मूले का यूज करके आप आसानी से आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फार्मूला आपके सामने है कि आइसोमेट्रिक लेंथ बाय ट्रू लेंथ इक्वल्स टू 0.815। ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप ये रिलेशन का यूज करके आसानी से आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर यही रेशियो के बारे में पूछा है कि आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ कितना होता है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 0.815, इसका करेक्ट आंसर है। और अब आज का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द लेंथ इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ लाइन इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ इट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 24.53 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है 15.46 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है 19.31 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन दिया है 23.09 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और ऐसे में ट्रू लेंथ क्या है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। और फाइंड आउट करने के लिए हम वही रिलेशन का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बताए थे। लेकिन यहां पे ट्रू लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आइसोमेट्रिक लेंथ ट्रू लेंथ से हमेशा कम होती है, या इसको उल्टा बोलो, ट्रू लेंथ हमेशा आइसोमेट्रिक लेंथ से ज्यादा होता है। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में यहां पे आइसोमेट्रिक लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है, यानी कंफर्म है कि ट्रू लेंथ का जो लेंथ है वो 20 से ज्यादा आएगा। अगर ट्रू लेंथ 20 से ज्यादा आएगा, ऐसे में यहां पे जो चार ऑप्शंस दिए हैं, चार में से फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 20 से ज्यादा है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो 20 से कम है। इट मींस सेकंड और थर्ड इसका आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट या फोर्थ में से हो सकता है। तो चलो फर्स्ट या फोर्थ में से कौन सा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने कहा था कि इसके पहले जो हमने आपको रिलेशन बताए थे वही रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो देखो हम आपको यहां पर सॉल्व करके बताते हैं। आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ लिखो या ट्रू लेंथ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ बुक्स में एक्चुअल लेंथ है, कुछ बुक्स में ट्रू लेंथ है और इसका रिलेशन का 0.815 ऐसा रिलेशन है। तो यहां पे आइसोमेट्रिक लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हमने न्यूमरेटर में लिखेंगे 20 डिवाइड बाय ट्रू लेंथ का हम यहां पे TL लिखेंगे इक्वल्स टू 0.815, ठीक है। और अब यहां पे हमें अगर फाइंड आउट करना है ट्रू लेंथ, तो ये ट्रू लेंथ को इधर शिफ्ट करो और 0.815 को इधर लेके आओ, इट मींस ये दोनों का पोजीशन एक्सचेंज करो। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.815 इक्वल्स टू TL, इट मींस ट्रू लेंथ। तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद ये आएगा 24.53 इक्वल्स टू TL, इट मींस फाइनली हमें ट्रू लेंथ मिल चुका है कितना, 24.53। इट मींस यहां पे ये क्वेश्चन में जो चार ऑप्शंस दिए थे, चार में से जो पहला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है 24.53। और अब आज का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द ट्रू लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द आइसोमेट्रिक लेंथ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 17.78 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है 14.48 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है 12.99 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन दिया है 12.22 सेंटीमीटर। तो यहां पे ट्रू लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। देखिए ट्रू लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है और आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है। और जैसा हमने इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बताए थे कि ट्रू लेंथ हमेशा आइसोमेट्रिक लेंथ से ज्यादा होता है, या उल्टा बोलो आइसोमेट्रिक लेंथ हमेशा ट्रू लेंथ के लेंथ से कम होता है। ऐसे में अगर यहां आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो वो 15 सेंटीमीटर से कम होगा। इट मींस जो यहां पे चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से पहले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि पहला ऑप्शन तो 15 से ज्यादा है, दूसरा ऑप्शन जो है वो approximately equals to 50 है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तीसरा और चौथा ऑप्शन में से कोई ना कोई करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट करने के लिए
वही रिलेशन का यूज करना है जो इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताए थे। तो चलो रिलेशन का यूज करेंगे। रिलेशन आपके सामने है, आइसोमेट्रिक लेंथ बाय ट्रू लेंथ इक्वल्स टू 0.815। आइसोमेट्रिक लेंथ हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहां लिखेंगे न्यूमरेटर में आइसोमेट्रिक लेंथ एज इट इज रखते, डिनोमिनेटर में ट्रू लेंथ हम यहां लिखेंगे 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.815। और अगर यहां आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना है तो ये 15 को इधर शिफ्ट करो तो इधर 0.815 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहां आसानी से निकाल सकते हैं दैट इज आइसोमेट्रिक लेंथ इक्वल्स टू 15 इंटू 0.815। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 12.22 सेंटीमीटर। तो फाइनली यहां पे ये क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमें मिल चुका है 12.22। इट मीन जो क्वेश्चन दिया था उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। और अब आज का फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा है द प्लेन्स पैरेलल टू एनी ऑफ द टू आइसोमेट्रिक लाइंस आर कॉल्ड ब्लैंक प्लेन्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पैरेलल, सेकंड ऑप्शन दिया है ऑक्सिलरी, थर्ड ऑप्शन दिया है आइसोमेट्रिक, फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑब्लिक। तो यहां पे पूछा गया है कि अगर कोई प्लेन दो आइसोमेट्रिक लाइंस को पैरेलल है ऐसे में वो प्लेन को क्या कहते हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना होता है। तीन आइसोमेट्रिक एक्सिस पहले हम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीन आइसोमेट्रिक एक्सिस को जो लाइंस आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं वो लाइंस को आइसोमेट्रिक लाइंस कहते हैं, और वो आइसोमेट्रिक लाइंस को पैरेलल में अगर कोई प्लेन ड्रॉ होता है तो वो प्लेन को आइसोमेट्रिक प्लेन कहते हैं। ऐसे में ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर 3, आइसोमेट्रिक प्लेन। और अब आज का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा है द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोफाइल प्लेन, सेकंड ऑप्शन दिया है वर्टिकल प्लेन, थर्ड ऑप्शन दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन, फोर्थ ऑप्शन दिया है पैरेलल प्लेन। तो यहां पे पूछा गया है कि फ्रंट व्यू आप कौन से प्लेन में बनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज करो, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है और साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन में बनता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन में फ्रंट व्यू के बारे में पूछा है, तो फ्रंट व्यू जैसा हमने कहा कि वर्टिकल प्लेन में बनता है तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 दैट इज वर्टिकल प्लेन। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।